नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे आईएएस और स्टेट पीसीएस, जो भी आपका परिचय है, एमपीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, इस तरह के जितने भी प्रीलिम्स होते हैं इसके, इन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। याद रखिए, अगर हम लोग 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं तो इतना विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसे कि इससे मतलब आप कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप कहिए कि एक टेस्ट लगाने का मतलब है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। और याद रखिए, इस तरह की जो भी प्रकृति के इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कथन आ जाते हैं 3, फिर उसके बाद पूछते हैं 1 2 सही है, 2 3 सही है, तो इस तरह की जिस भी परीक्षा में पूछे जाए, अगर आपका एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछने को मिल जाए, बैंक में इस तरह के क्वेश्चंस पूछने मिल जाए, आप देखते हैं सीडीएस में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सीएफएस इस तरह के जो भी रहता है उनमें भी पूछने को मिल जाते हैं, तो सभी के लिए टेस्ट सीरीज आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनाएंगे, उसी में सभी क्वेश्चंस आपके टेस्ट डले रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहले टेस्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और जानते हैं इसे आखिर क्या बात की जा रही है। देखिए, ये हमारा पहला पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? वर्ष 1813 यानी कि सन 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप भी अगर आपको जल्दी सॉल्व करने की आदत है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला कथन है, इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है। मिशनरियों को भारत जाने और प्रचार करने की अनुमति भी दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए के आवंटन का प्रावधान रखा गया। ये आपका गलत कथन है इसमें, लेकिन इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक पॉइंट आपको, ये पॉइंट हमेशा याद पढ़ लिया करिएगा 1 से 2 बार, क्योंकि मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन हमारे आते हुए भी गलत हो जाते हैं इसी पॉइंट के कारण। अब देखिए, यहाँ पूछा है सही नहीं है, सॉरी सही है, तो कौन कौन सा है? 1 और 2 कथन सही है। अगर आपसे पूछ लेता कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 1 और 2 कथन सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है आपको बता देता हूँ। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा कि इस अधिनियम यानी कि 1813 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान था कि कंपनी भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये, कितना, 1 लाख रुपये, ना कि 10 लाख रुपये खर्च करेगी। ठीक है, तो याद रखिए 1 लाख रुपये खर्च करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि पहले में आपका कौन कौन सा कथन सही था? कथन 1 और कथन 2 सही था। ठीक है, और याद रखिए, इस तरह की पीडीएफ जो भी आपकी होती है वो सभी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहां से आराम से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को उसकी वाणिज्यिक गतिविधियों से पृथक करना, नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों व संवैतनिक सदस्यों का वेतन कंपनी प्रभारित करना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। ये बिल्कुल नहीं था, उपयुक्त में से कौन, एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को उसकी वाणिज्यिक गतिविधियों से अलग करना, इसका उद्देश्य था मेन का। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे में क्या होगा? पहला इसमें विकल्प सही होगा ए, क्या होगा? ए सही होगा इसमें। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे समस्त सैन्य व असैन्य शक्तियां दी गई? फिर से एक बार पढ़िए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का, यानी कि भारत शब्द जोड़ दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया
और उसे समस्त सैन्य और असैन्य शक्तियाँ दे दी गईं। तो आपको पता है ये 1833 की बात है, चार्टर एक्ट 1833। इसकी और अगर अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें, 1833 का चार्टर एक्ट आया हुआ था, तो इस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्र व भारत के उपनिवेशीकरण को वैधता प्रदान की गई। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया गया, उसे एक केवल प्रशासनिक निकाय बनाया गया। आपको पता होगा कि चाय और चीन से जो व्यापार छूटा हुआ था, एकाधिकार इसे मिला हुआ था, उसे भी अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसे सभी सैन्य और असैन्य शक्तियाँ मिल गईं। उसके बाद आपने देखा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी आपका कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ छीन ली गईं और परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैन्य और असैन्य संबंधों के नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन करने की भी शक्ति प्रदान की गई इसमें। ठीक है, ये आपकी 1833 के कुछ प्रावधान थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिए आपका हर साल किसी ना किसी क्वेश्चन में आपके इस अधिनियम से, इन सभी अधिनियमों से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप लोग इन्हें विस्तार से पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, आपका हम लोगों ने भी कवर किया हुआ है, आपका देख लीजिए, आपसे पूरी NCERT आपकी कवर हो चुकी है और आपकी कई तरह की आपके जो जरूरी हैं उन्हें भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में सूची में जाइए, उसमें देखिए बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में हमें विचार करना है। इसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल करते हुए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, ये भी आपका सही है। आज आप देखते हैं ना, राष्ट्रपति जब कोई संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो उसी तरह ये भी अध्यादेश हुआ करता था उस समय। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप समझिए तीनों कथन सत्य हैं। इसमें क्या है, तीनों कथन आपको सत्य देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहली बार सांप्रदायिक और वर्गीय निर्वाचन की व्यवस्था की गई, बिल्कुल गलत है। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें आपका कौन सा कूट सही है, कथन दूसरा कथन केवल सही है, पहला कथन इसमें गलत है आपका। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आप लोग जानते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार, जो भारत शासन अधिनियम 1919 है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं आप लोग। इसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी अधिनियम में किया गया था आपका। अगर हम सभी इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस अधिनियम के जरिए सांप्रदायिक और वर्गीय निर्वाचन को और मजबूत किया गया। क्या, सांप्रदायिक और वर्गीय निर्वाचन को और मजबूत किया गया, लेकिन इससे पहले आपका 1909 का जो अधिनियम है इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो पहली बार नहीं, ये आपका इसमें मजबूत किया गया, लेकिन 1909 का जो अधिनियम था उसमें आपकी पहली बार सांप्रदायिक वर्गीय निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और गवर्नरों को प्रांतों का कार्यकारी प्रमुख बना दिया गया।
विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित सूची। ठीक है, जो आरक्षित विषय थे इसमें प्रशासन, गवर्नर, उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना तय किया गया, जबकि जो हस्तांतरित विषय का प्रशासन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामांकित मंत्रियों द्वारा किया जाता था। और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार कर 70% सदस्यों का चयन निर्वाचन के माध्यम से तय किया हुआ था। महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया था, याद रखिए 1919 के अधिनियम के बाद ही। ठीक है, और जो निम्न सदन, इस समय आपका निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा थी उसमें 144 सदस्य थे, और जो उच्च सदन यानी कि राज्य परिषद थी इसमें आपके 60 सदस्यों के प्रावधान के साथ एक द्वि सदनीय व्यवस्था आरंभ की गई थी। ये सभी 1919 के अधिनियम के तहत ही सभी घटनाएं घटी। ठीक है, तो इसमें आपका यानी कि बी ऑप्शन सही था, केवल दूसरा कथन सही था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। ये आपका प्रावधान अप्रैल 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा को एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बनाने की तैयारी करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 में नए बर्मा कार्यालय की व्यवस्था की गई। हालांकि दोनों विभाग एक ही राज्य सचिव के पास थे, उसे ही भारत और बर्मा के लिए ये राज्य सचिव के रूप में नामित किया गया था। भारत और बर्मा के लिए राज्य के पहले सचिव लॉर्ड डुंडास थे। कौन थे? लॉर्ड डुंडास। और भारत और बर्मा के राज्य सचिव भारत का कार्यालय 1947 को समाप्त हो गया। विस्काउंट एनीमोर बर्मा के प्रथम और अंतिम सचिव थे, क्योंकि 1948 में बर्मा भी स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? बर्मा भी आपका स्वतंत्र हो गया था। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता है, कई बार आपको पता भी नहीं होता है, बर्मा म्यांमार को कहा जाता था। किसे कहा जाता है? म्यांमार को। पहले बर्मा के नाम से इसे जानते थे, अब इसे म्यांमार के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। बिल्कुल सही कथन है। निर्वाचित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ये भी आपका कथन सही है। क्या पूछ रहा है इसमें? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। तो एक और तीन कथन आपका सही है, दूसरा कथन इसमें आपका गलत है। क्या है? दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत आखिर क्यों है? आपको बता दूं कि इसमें जो संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था। फिर से सुन लीजिए, संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था। और 1945-46 में भारत में प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा फिर संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुना गया था। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही होगा? इसमें आपका एक और तीन कथन सही था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और वह पूर्णतः एक प्रशासनिक निकाय बन गया। ये आप जो ऊपर तीनों कथन देख रहे हैं, उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम में शामिल थे, यानी कि सभी विशेषताएं ऊपर दी गई हैं, किस अधिनियम की हैं आखिर? तो आप सभी जानते हैं 1833 के जो चार्टर एक्ट था, इसी की सभी ये व्यवस्थाएँ हैं यानी कि विशेषताएँ हैं।
तो इसमें क्या होगा आपका, सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, पीछे भी बात कर चुका हूँ, यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत के रूप में इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम लोग। क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान में फेडरेशन, फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है? बिल्कुल नहीं। धर्म निरपेक्षता की पश्चिमी धारणा के विपरीत इसमें धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया है। किसमें? भारत के संविधान में। ये बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप जानते हैं केवल दूसरा कथन सही है इसमें, पहला कथन इसमें गलत है। पहला कथन गलत क्यों है आखिर? भारत का संविधान सरकार की संघीय संरचना की स्थापना करता है, हालांकि फेडरेशन शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। क्या है? कहीं नहीं किया गया है इस शब्द का उपयोग। एक संघ में दो सरकारें, यानी कि आपका संघ और केंद्र सरकार, और संघ जिसे आप केंद्र सरकार के नाम से भी जानते हैं, और राज्य सरकार के नाम से दूसरी, यानी कि दो सरकारें की बात की गई है, राज्य में राज्य सरकार और एक केंद्र में केंद्र सरकार। ठीक है, भारत में संविधान एक धर्म निरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। आप जानते हैं कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, यानी कि हमारा धर्म मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक धर्म के लिए कोई स्पेशल मतलब सुविधा दी जाए, ऐसा नहीं है। सब धर्मों सबके लिए बराबर है उसमें, सरकार के लिए। इसलिए किसी भी धर्म विशेष का भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में समर्थन भी नहीं देता है। आप जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, आपके दिमाग में जब भी नाम आता है पाकिस्तान का, आप समझ जाते हैं कि मुस्लिम देश है। आपकी सऊदी अरब जब भी नाम आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये मुस्लिम देश है, यानी कि वहाँ मुस्लिमों की मतलब एक वर्चस्व है। आपके देश में ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को धर्म का मतलब एक वो मिला हो, स्पेशल दर्जा, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू राज्य है। सभी को बराबर रहने का यह अधिकार दिया गया हमारे भारत में, ये अच्छी बात है, आप समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल सही है। आपने जानते हैं कि आप लोग की जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सिद्धानंद सिंघा ही थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। ये भी बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भी बन गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि सभी इसमें कथन आपके सही हैं। क्या है? सभी कथन सही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। इस बैठक में आपके केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, और फ्रांसीसी प्रणाली का अनुसरण करने के बाद सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार SC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगर हम लोग 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा की स्थिति में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए, कौन कौन से ये परिवर्तन थे? संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो अपने अनुसार अनुसार संविधान का निर्माण कर सकती थी, और इस अधिनियम ने संविधान सभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने और बदलने के भी अधिकार दिए गए। संविधान सभा भी विधायी निकाय बन गई। मुस्लिम लीग के सदस्यों को पाकिस्तान में शामिल 7 क्षेत्रों से संबंधित भारत की संविधान सभा से अलग कर दिया गया, और संविधान खंड के प्रारूप के सभी खंडों पर विचार के बाद आपका संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ
आपका संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। उस समय अगर हम लोग बात करें तो इसे बनाने में, संविधान को बनाने में आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उस समय इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के, यानी कि पूरी तरह से आपका संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन से हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत के संविधान का भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान अपने लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता की अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के मामलों से संबंधित है। बिल्कुल गलत है। सभी मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। सभी को क्या कह रहा है? सभी को बिल्कुल नहीं, सभी को एक साथ नहीं जोड़ा गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप जानते हैं पहला कथन, इसमें केवल एक कथन सही है, लेकिन बाकी 2-3 गलत हैं। तो गलत क्यों है आखिर, इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, फिर से सुनिए, भारत के संविधान का भाग 2, कौन सा भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ये सभी आपके भारत की नागरिकता से संबंधित हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकों के अधिग्रहण, निर्धारण और समापन मामलों के संबंध में है। संविधान के 42वें संशोधन, जिसे 1976 में अपनाया गया, इसे आप लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4A में निहित संविधान अनुच्छेद 51A, कौन सा 51A, मौलिक कर्तव्यों के रूप में जोड़ा गया। लेकिन इसमें इस समय तक 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन आप जानते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या था इसमें? 51A के जोड़ा गया एक नया मौलिक कर्तव्य। इसमें के अनुसार सभी माता पिता और संरक्षकों के लिए उनके 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के हो गए। ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। और यही आपका, याद रखिए कि सन 2002 में आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में भी आपका 21 के तहत 21 का जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग भाग ये आपका 9 में शामिल अनिवार्य प्रावधान है? क्या है? ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों में सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये बिल्कुल सही है। पंचायतों में सभी स्तरों पर पिछड़े वर्गों के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, ये बिल्कुल गलत है। पंचायतों में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, ये भी आपने देखा होगा, ये भी लागू है। तो इसमें क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका है कि पहला कथन भी सही है और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। और इसमें क्या पूछ रहा है? सही कूट पूछ रहा था, तो 1 और 3 इसमें सही है, केवल दूसरा इसमें गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जानते हैं सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण पंचायत में उनकी आबादी के अनुपात में है। कैसा? अनुपात सभी स्तरों पर, 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण पंचायत में उनकी आबादी के अनुपात में है, ठीक है। और जबकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और पंचायत को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना एक स्वैच्छिक, यानी कि आपकी स्वेच्छा पर आधारित है, स्वैच्छिक विशेषता है सरकार की, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए, याद रखिए आपको पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और आपको मतलब वोट डालने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, याद रखिए। और पंचायतों के चुनाव, याद ही राज्य
जो राज्य आयोग होता है, चुनाव आयोग होता है, वही करवाता है, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें सही कथन चुनना है इनमें। इसके द्वारा वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश संसद के परामर्श पर प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। बिल्कुल गलत है। इसने देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में किसी भी डोमिनियन में शामिल होने की स्वतंत्रता दी, हालांकि उन्हें स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं थी। ये भी आपका गलत है। राज्य सचिव के पद को रहने दिया गया, उसे राष्ट्रमंडल मामलों के राज सचिव की अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई। ये भी आपका गलत है। यानी कि जो आपके तीनों जी ये कथन है, जो ये तीनों गलत हैं। क्या है? तीनों गलत हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था, तो इसमें आप लोग क्या चुनेंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अब सही क्या है इसमें, उसे सुनिए आप लोग। क्या है? 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति करता करता है और भारत को 15 अगस्त 1947 से एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित करता है। यह अधिनियम भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने से अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स स्टेट की गठन की घोषणा करता है। यह अधिनियम वायसराय के पद को की समाप्ति करता है और प्रत्येक डोमिनियन के लिए ब्रिटिश राजा द्वारा रियासत के मंत्रिमंडल की सलाह पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। और यह अधिनियम यानी कि 1947 का अधिनियम दोनों डोमिनियन स्टेट की विधानसभाओं को अपने संबंधित देशों के लिए किसी भी संविधान को अपनाने या फिर उसका गठन करने के साथ साथ ब्रिटिश संसद को निरसित करने की शक्ति भी देता है। या दोनों डोमिनियन स्टेट की विधानसभाओं को नए संविधान को तैयार होने या लागू होने से पूर्व संबंधित राज्य क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार भी देता है। यह भारतीय रियासतों को भारतीय डोमिनियन में रहने या पाकिस्तान में जाने या फिर स्वतंत्र रहने की आज़ादी भी देता है। यह भारत के लिए राज्य के सचिव के पद की समाप्ति करता है, उसके कार्यों को कॉमनवेल्थ मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित करता है। ये सभी आपकी 1947 के भी जो अधिनियम है, इसी की विशेषताएं हैं। जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता, तब तक दोनों राज्यों का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया जाएगा। दोनों राज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल में बने रहें या उससे अलग हो जाएं। जब तक प्रांतों में नए चुनाव नहीं कराए जाते, उस समय तक प्रांत में पुराने विधानमंडल कार्य कर सकेंगे। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासत पर प्रभुत्व भी समाप्त हो गया है और 15 अगस्त 1947 को सभी संधियां और समझौते समाप्त माने जाने की घोषणा की गई है। इस अधिनियम में भारत के राज्यों के सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति आरक्षण के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को कि पूर्व नियुक्त सिविल सेवाओं के सदस्यों को अपने पद पर बने रहने का लाभ भी दिया गया। यानी कि इससे पूर्व जो नियुक्ति हुई थी उन्हें बने रहने का लाभ दिया गया। ये सभी आपकी 1947 के अधिनियम की विशेषताएं थी। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संगात्मक लक्षण हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संगात्मक लक्षण हैं? लिखित संविधान, बिल्कुल सही बात है। एकीकृत न्यायपालिका, गलत है। द्विसदनीय व्यवस्था, सही है। अखिल भारतीय सेवाएं, गलत है। आपातुलबंध, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन में क्या होगा? 1 और 3 सही होगा, बाकी 2, 4, 5 गलत होगा। नीचे दिए गए जो एक कूट थे, जो इनमें से कौन सा सही थे? सही पूछ रहा है ना इसमें? अगर गलत पूछता तो 2, 4, 5 हो गए, और अगर सही पूछ रहा है तो सी ऑप्शन सही हुआ, 1 और 3।
भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं आपकी समाहित है, जो अद्वितीय और भारत की स्थितियों के लिए किपिति अनुकूल भी है। इसलिए के सी बीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। भारतीय भारत के संविधान की अगर हम लोग संघात्मक विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप सुनिए क्या क्या है। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं की बात करें हम लोग तो द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनीय संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था। और भारत के संविधान की निम्नलिखित एकात्मक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सुदृढ़ केंद्र यानी कि शक्तिशाली केंद्र, राज्य अनुस्वर नहीं, राज्य में ऐसा कुछ नहीं प्रावधान है कि वो अलग हो जाए, जैसा आप लोग अमेरिका में देखते हैं कि अगर 50 स्टेट्स हैं तो आप देखेंगे कि उनमें मतलब अलग भी हो सकते हैं यूएसए में। तो इसमें क्या है कि राज्यों को हमारे यहाँ इतनी पावर नहीं है कि वो अलग भी हो सके। एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच व्यवस्था, राजसूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, राज्यों के विधेयकों पर वीटो शक्ति, ये सभी आपकी भारत के संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। क्या है? एकात्मक विशेषताएं हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको और हमें मिलकर विचार करना है और सही कथन इसमें से चुनना है। हमें इसे जर्मन के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल गलत है। इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, ये भी बिल्कुल गलत है। दोनों कथन गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें कोई भी सही नहीं है, दोनों कथन गलत हैं। आखिर गलत क्यों है? संविधान का अनुच्छेद 34 ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है जब भारत के क्षेत्र के भीतर या किसी भी क्षेत्र में सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू होता है तो उस जगह के नागरिकों के अधिकारों का मतलब अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सैन्य कानून की अवधारणा इंग्लैंड की सामान्य विधि से ली गई है। कहाँ से? याद रखिए, जर्मनी से नहीं, इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। लेकिन मार्शल लॉ की अभिव्यक्ति को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्या है? भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसमें दूसरे दो ही दोनों आपके कथन गलत थे। तो इसमें क्या था? डी ऑप्शन। आप लोग जब भी पेपर में बैठा करिए तो बड़े मतलब शांति से धैर्य रखकर आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए और गोला बड़े धैर्य से लगाया करिएगा, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि आते हुए भी हम लोगों के क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं हम लोग, तो इसलिए बड़ा एक एक नंबर का इसमें फर्क पड़ता है, आप समझ रहे हैं। वो बड़े ध्यान पूर्वक आपको लगाना है, ठीक है। वो बड़े ध्यान पूर्वक आपको आंसर भी देखना है, क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस भी हम लोग गलत कर बैठते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीय मामले 1973 में प्रतिपादित किया गया, बिल्कुल सही बात है। उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है, गलत है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है क्योंकि किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप जान रहे हैं कि पहला कथन इसमें सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा कथन गलत है, तो आखिर क्यों गलत है? इसमें सही क्या होगा? चलिए उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो बता देता हूं, केशवानंद भारती मामला ये आपका 1973 में हुआ था, याद रखिए ये कई बार पूछ लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी कि मूलभूत विशेषता का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया इसमें, और इसके अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधानिक शक्ति की मूल संरचना, संविधान की जो मूल संरचना है इसे बदलने का सक्षम नहीं है। विभिन्न निर्णयों द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या फिर तत्व घटकों अवयवों के रूप में संविधान की मूल संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं। संविधान की सर्वोच्चता की बात करें हम लोग तो भारतीय राज्य व्यवस्था की संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक प्रकृति
संविधान की धर्म निरपेक्षता विशेषता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान की संघीय विशेषता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक पुनर्लोकन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच समन्वय और संतुलन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावी सुगमता, मूलभूत अधिकारों के अंतर्निहित सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 226, 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, ये सभी आपकी संविधान की सर्वोच्चता की विशेषताएं हैं एक तरह से, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है? जो आपका प्रस्तावना है यानी कि उद्देशिका है, ये संविधान का भाग है, याद रखिए। यहाँ क्या बोल रहा था, नहीं है तो है, ठीक है। या देखा गया कि प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त उत्कृष्ट और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ना और व्याख्या करना चाहिए। तीसरा, आपको बता दें कि जो संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, क्या हो सकता है, किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कि 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को भी बरकरार रखा गया और कहा गया कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या फिर हटाने का अधिकार है। हालांकि संसद संविधान की मूल संरचना के किसी भी ऐसे मौलिक को ना तो कम कर सकती है ना ही हटा सकती है जो संविधान की मूलभूत संरचना का एक अंग है, ठीक है। इसमें केवल एक कथन आपका सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हायाबुसा दो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह ग्रही रक्षा के लिए नासा का पहला क्षुद्रग्रह विक्षेपण अभियान है, बिल्कुल गलत है। यह पृथ्वी से 300 मिलियन किलोमीटर दूर क्षुद्रग्रह रायगु पर भेजा गया एक मिशन प्रोब है, सही है। इस अभियान का उद्देश्य सौरमंडल के प्रारंभ में जीवन की उत्पत्ति का पता लगाना है, ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत क्यों है, सुन लीजिए। हायाबुसा एक जापानी स्पेस प्रोब है, क्या है ये? आपका नासा का नहीं है, जापान का है, ठीक है। और नासा आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, यूएसए की। तो एक जापानी स्पेस प्रोब है जो 3.5 वर्ष की यात्रा के पश्चात पृथ्वी से 300 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित क्षुद्रग्रह रायगु पर पहुंचा, ठीक है, याद रखा। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जीवन की उत्पत्ति का पता लगाना है। ऐसा माना जाता है कि क्षुद्रग्रह सौरमंडल के आरंभ के समय ही निर्मित हुए थे और वैज्ञानिकों का कहना है कि युर्गो में ऐसे कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में योगदान दिया है। तो इसमें क्या आपका 2 और 3 कथन सही था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। S-400 ट्राइम रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी मारक क्षमता वाली लॉन्ग रेंज रक्षा प्रणाली है, बिल्कुल सही है। स्पाइडर भारत की स्वदेशी तेज अनुक्रिया वाली मिसाइल प्रणाली है, गलत है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल DIDO और इजराइल एरोस्पेस की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3 कथन सही है। इसमें आपका दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन आखिर गलत क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो स्पाइडर इजरायली निम्न स्तरीय तेज अनुक्रिया वाली मिसाइल है, ना कि भारतीय, कहाँ की है, इजराइल की, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या होगा आपका 1 और 3 सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही था आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित चार मूलभूत समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कॉम कासा, वर्थिंग और रिफ्यूलिंग जैसे सैन्य तंत्रों को साझा करने संबंधी एक समझौता है, ये आपका गलत है। भारत को अभी BECA पर हस्ताक्षर करने हैं जो उसे स्थलाक्तिक और विमानिक आंकड़े प्रदान करेगा, ये आपका सही है। CISMOA एक सुरक्षित नेटवर्क द्वारा इनक्रिप्टेड सैन्य संचार से संबंधित है, ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला इसमें गलत है। अगर हम लोग भारत और अमेरिका के बीच हुए चार समझौतों की बात करें मूलभूत, तो इसमें आपका लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कम्युनिकेशंस कॉम्पेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, ये चार आपके समझौते हुए। कॉमकासा यह भारत को C-17 C-130 यानी कि C-17 C-130 P-81 यानी कि P-81 जैसे अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्मों के लिए इनक्रिप्टेड संचार हेतु विशेष उपकरण को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। और दूसरा जो आपका कम्युनिकेशंस कॉम्पेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कि आपसे कहिए सॉरी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि लेमोआ, इसमें क्या है कि यह लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का एक परिष्कृत संस्करण है जो भारत और अमेरिकी सैन्य बलों के बीच सैन्य तंत्रों को साझा करने संबंधी समझौता है। यह एक दूसरे के युद्धपोतों एवं विमान के एक प्रतिपूरक आधार पर रिफ्यूलिंग और बर्थिंग सुविधाओं को सुकर बनाने के लिए किया जा रहा है। तीसरा अगर आपकी बात की जाए हम लोग जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट जिसे आप लोग किसके GSOMIA के नाम से भी जानते हैं, भारत ने पहले ही GSOMIA कॉमकासा और लेमोआ पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अभी BECA पर हस्ताक्षर करना शेष है। आपका BECA का मतलब होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, ठीक है याद रखिए। जो BECA का मतलब होता है भारत को स्थलाक्तिक तथा वैमानिक आंकड़े तथा उत्पाद प्रदान करना जो नौवहन और टारगेटिंग में भारत की सहायता करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था आपका दो और तीन कथन सही थे यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन होदे दाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है यानी कि सही कथन हमें चुनना है इसमें से। यह ओमान की रॉयल नेवी के साथ भारतीय नेवा सेना का प्रथम उभयचर प्रशिक्षण अभ्यास है, बिल्कुल गलत है। यह अरब जगत में गिरते लैंगिक संकेतकों में सुधार के लिए UNHRC का निवेशन है, बिल्कुल गलत है। यह यमन में होथी विद्रोहियों के विरुद्ध एक आक्रामक अरब संगठन गठबंधन है, ये बिल्कुल सही है। यह यूफ्रेट्स नदी घाटी में ISI के विरुद्ध प्रमुख सीरियाई लोकतांत्रिक बलों का संगठन है, ये भी आपका गलत है। इसमें केवल आपका सी ऑप्शन सही है, क्या है यह यमन में होथी विद्रोहियों के विरुद्ध एक आक्रामक अरब गठबंधन है, ठीक है। तो क्या है सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा लगातार चौथे वर्ष वैश्विक शांति के औसत स्तर में गिरावट दर्ज की गई, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है, याद रखिए ये पूछा जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है आपका अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान। इसमें मापन क्या है यानी कि किस आधार पर बनाता है अपनी रिपोर्ट, तो याद रखिए सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा के स्तर
वर्तमान में चल रहे घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की मात्रा और सैन्यकरण का स्तर, ये सभी को आधार मानते हुए ये अपनी रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को विस्तारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से लाभार्थी शामिल हैं? कौन से लाभार्थी शामिल हैं इसमें? सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार, बिल्कुल सही बात है। द्वीप समूह और नदी क्षेत्रों में बसे लोग, ये भी सही है। अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी, ये भी सही है। वन निवासी, ये भी सही है। चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, ये भी शामिल हैं। यानी कि इसमें जो पांच जो आपके कथन दिए गए, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो पांच ही आपके सही है, तो इसमें आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे आप लोग PMUY के नाम से जानते हैं, इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले पारंपरिक कंडों और लकड़ी के द्वारा महिलाएं खाना बनाती थी, तो उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव देखा जाता था, तो इसी के लिए ये आपकी लाई गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन? वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, यानी कि PMVBY का लक्ष्य क्या है? आखिर स्वरोजगार के माध्यम से आय सृजन करने वाली गतिविधियों को अपनाने के लिए दिव्यांगों को रियायती ऋण प्रदान करना, बिल्कुल गलत है। वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और वृद्धों की रक्षा करना, ये आपका बिल्कुल सही है। दिव्यांगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करना, ये भी गलत है। वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे सहायक जीवन साधन प्रदान करना जो उन्हें अक्षमता से उभरने में सहायता कर सके, ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका इस क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही है। जो आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसका उद्देश्य मेन लक्ष्य है कि वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जो बूढ़े व्यक्ति हैं इनकी रक्षा करना, इसका शामिल है। ठीक है, याद रखिए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का आरंभ वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों को अप्रत्याशित बाजार स्थितियों से उनकी ब्याज से प्राप्त आय में किसी भविष्य गिरावट के खतरे की रक्षा के लिए ये लाई गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? धनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके? धनुष के। यह भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली आर्टिलरी गन है। सही है। इसकी प्रहार सीमा आपकी 200 किलोमीटर है, गलत है। इसे सभी मौसमी परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए तैयार किया गया है, ये सही है। अब यहाँ आप लोग समझ में आ जाएगा आपको बेहतर तरीके से। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आपसे पूछता कि सही है तो आप क्या लगाते? एक और तीन लगाते ऑप्शन। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो क्या लगाएंगे आप लोग? पहला कथन इसमें सही है और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा इसमें गलत है। क्या है? दूसरा गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसकी सीमा है, यानी कि प्रहार सीमा है 38 किलोमीटर है, और इसके 81% उपकरण स्वदेशी निर्मित हैं, यानी कि हमारे देश में बनाए गए हैं। इसे आप लोग जानते हैं कि देसी बोफोर्स के नाम से भी जानते हैं आप लोग। तो देखिए, अगर हम लोग सही के हिसाब से अगर इसे अच्छे से ना पढ़े तो हम लगा देंगे कि इस तरह से भी मार देंगे, लेकिन इसमें हकीकत क्या है कि दूसरा कथन गलत है केवल। तो इसमें हम लोग सी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। RBI द्वारा सभी उधारकर्ताओं की एक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री PCR तैयार करने की घोषणा की गई। PCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें और आपको मिलकर विचार करना है। यह सुदर्शन सेन समिति की सिफारिशों पर आधारित है, यह आपका गलत है। सभी ऋणों की अनिवार्य रिपोर्टिंग हेतु एकीकृत बिंदु के रूप में कार्य करेगी, सही है। यह ऋण बाजार की दक्षता में वृद्धि, वित्तीय समावेशन के विस्तार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने में सहायता करेगी।
ए भी आपका सही है। तो दो और तीन कथन सही है, एक गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दो और तीन, ठीक है, याद रखिए। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है आखिर, उसके बारे में मैं बताता हूँ। यह पिछले वर्ष गठित हुई एक समिति की सिफारिश पर आधारित है, जिसकी अध्यक्षता YM देवस्थली ने की थी, ना कि सुदर्शन सेन ने। इनका नाम याद रखिए, YM देवस्थली ने की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो और तीन कथन सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके विस्तार से आंसर। मैं बार बार आप लोगों से एक ही कहूँगा, एक ही बात, कि अगर कोई क्वेश्चंस इसमें गलत हो जाता है आंसर बताने में, उससे कहीं गलती हो जाती है, तो आप लोग मुझे उसे कमेंट में अच्छे से आंसर उसका थोड़ा विस्तार से लिख दिया करिएगा, जिससे हमारी फैमिली का दूसरा भी मेम्बर कोई जुड़ता है हम लोगों में से, तो उसे सही आंसर पता चल सके, ठीक है। और हम लोग मतलब मिलजुल के सभी इन आंसरों को देखा करेंगे, एक परिवार की तरह से ही बात कर किया करेंगे हम लोग, ठीक है। सभी मिलजुल के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, एक यही प्रक्रिया, एक फ्रेंड्स की तरफ तरह, ठीक है। तो चलिए, अगले हम लोग मिलते हैं, दूसरे टेस्ट में मिलेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे।